देश की माँ बराबर है, वह इतनी बड़ी वाह, और उन्हें इतना शब्द बोल दिया। और वो सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी ना है ना, बेटी बताओ बेटी बताओ, वह सोनिया बेटी और वह के और हम के जी। फिर न्यू बता वो सोनिया गांधी और परिवार रहेगा, ये कांग्रेस ना को और भी देश दिखेगा। न्यू बता अपना परिवार गद्दी पे गद्दी, गद्दी पे गद्दी, दादा की प्रॉपर्टी घर पे, देश पे नहीं होता। और ये बड़ा पद से ना एक बार बन लिया 70 साल ना कुर्बानी दे दी, दूर हो क्यों, जो कुर्बानी देश दे लेगा कुर्बानी, वह जिस माँ के सही दौरे उड़ा वह याद करे है कदे, उन्हें कदे भी याद नहीं करे उन्हें, उन माया था बुझ रात दिन क्यों कर अपने सर पर बैठे बैठे है सोवा है। राष्ट्रपति जी के लिए जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया, गलत करया, गलत करया और कति तारना चाहिए। हाँ अच्छा ये बताइए, सोनिया गांधी जी के लिए कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है, अगर उनको ईडी, वो गलत है, ईडी ने भी हटा दो, सीबीआई ने भी हटा दो, फिर इनकी वो है कौन है, इंक्वायरी क्यों दो तनख्वाह, सीबीआई ईडी क्या ताई है, अब नेता भ्रष्ट करेंगे तो उनकी इंक्वायरी होगी, आम आदमी की तो पुलिस करे, नेता की कोई ना करे। ये राहुल बैठा दिया, सोनिया बैठा, प्रियंका बैठा दी, वो एक एक डेढ़ लाख रुपया ले पब्लिक का वो करा था, उसका हिसाब कोई नहीं लवे है, क्यों नहीं लवे, ईडी लवेगी, यो बदले की राजनीति बेकार लावा है। न्यू बता सीबीआई वो हुआ है तो नेता के ऊपर कंट्रोल करने खातिर हुआ है, लेकिन जब ईडी कार्रवाई करती है सोनिया गांधी जी पे तो कहते हैं महिला बीमार है तो उनका सम्मान नहीं किया जा, खंड सही है इनके, देश न लूटना चाहो गद्दी वाह, लेकिन 8 साल है वह तल मिलाओ न गद्दी चाहिए, बस तो देश डूब जाओ, और वो किसको चाहिए गद्दी, उन्हें चाहिए वो राहुल गांधी, राहुल गांधी ने बताओ जो अच्छी सा ये उन्हें बाट में ना बताता, वो जो अच्छी सा तो बाट न रोक लेना, वो न्यू कैक में एक आख तो मार कर सेना ने चीन की ना बता दू, और फौजिया ना हथियार ना चाहिए तो वो फौज में भर्ती क्यों ना हो जाता, क्यों ना होता फौज में भर्ती, सिक्योरिटी ले ले घूम है आम आदमी मरता रहो, और उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, क्यों चाहिए सिक्योरिटी, न्यू बता हटाओ सिक्योरिटी आम आदमी की, तैयार अपना डेरा लग जा, कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई मना सारे पन्ने लिख रखे हैं, 6,006 साल तक और सारी महंगाई सारी लिख रखी मने जी, और मनमोहन बोला अब जनता के लिए पैसे को ना पेट करना लगते, जब वह कांग्रेस गड्ढा थी, ठीक वह कांग्रेस थी जब वो पेट कर पिए ना लग गए थे, महंगाई है वो तनख्वाह कितनी ले, राहुल गांधी सोनिया गांधी नु बता दे मना, तनख्वाह भी बढ़ा है और महंगाई भी है, आम न्यू है जो तनख्वाह ना लेता ना उसके लिए दिक्कत है, हैं और महंगाई करूँगा आएगी, कौन सा डॉक्टर है, राहुल गांधी डॉक्टर था वो सब ना बता दे, फिर या बीमारी सारे देश में थी, न्यू बता अभी सारे देश में बीमारी थी या भारत भारत में ना थी, वो अल्लाह मतावा वो करें भाई, तम ना कुर्बानी दे दी वो के है शहीद भगत सिंह ने कुर्बानी दी, उन चारा ना लक्ष्मी बाई ने कुर्बानी दी, ठीक उनके नाम आता ही ना लेते ये, और ये नेता पर नेता गद्दी पर गद्दी क्यों। अम्मा ये बताइए कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, सम्मान करे सम्मान करना छोड़ देने को तम ईद बैठ जाओ, ईद 130 करोड़ केस है, वह भी पढ़ लिख कर ना उनका भी स्कूल है, वह भी कुछ करना चाहवा है, तब मन ना आया अब भैया हम रात चलावेंगे, न्यू बता दे वो रात चलाऊगा वो ने दे रहा है, हैं तो क्यों ना छोड़ देते, क्यों दो कुर्बानी देश दे लेगा कुर्बानी, न्यू बता वो न्यू बोला मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व है वो तो व्याकरण बुद्ध ना सारे कांग्रेस के पत्थर लग गए, वो हिंदू सब हिंदू से, अरे हिंदू व्याकरण पर डने एक वचन बहुवचन में के आव है, वो तीनों माँ बेटा हो गए तो हिंदुत्व हो गए, तो उन्हें जब जो ज्ञान भी को ना और तो दूसरी का बालक भी बता देगा, दूसरी का बालक भी बता देगा, लेकिन चुनाव में तो बहुत किया है उन्होंने, ये किया है और सत्ता भक्ति अल्लाह ने मचाया, प्रधानमंत्री चोर सा ऐसा कोई होया है नेता, सोनिया गांधी ताई कदे कई सा किसान है, फिर एक भी काम का को ना वह हिजाब पे तिरंगा बोली अक्षाड़ी भी पहन कर दास का सूट भी पहन कर, वो अपने बर्तन धोती बांध कर खंडा देना स्कूल में, वो अपने बर्तन धोती बांध कर खंडा दे स्कूल में, ड्रेस मत खंडा, सारे काम उल्टे करवावा है ये हिजाब, वह धोती बांध कर क्यों कर चले जाएंगे स्कूल की ड्रेस सब बंद बकरी है ना, क्या आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि हम आम आदमी पार्टी की, आम आदमी
की आवाज उठा देगी। देश आवाज वो आप अपनी परिवार की उठाओ है, आम आदमी की आवाज नहीं उठा कौन है वो। उसे एक न गांधी ने बोल दिया और तो देश ने बोल दिया भाई। मैं सारे सुनू हूँ के बहुत गणा दुख हुआ जब वो उड़ा शरद पपड़े हैं उनका अपमान करा है, उनकी माया ना बुझ कर देख, उनकी पत्नियां ना बुझ कर देख और उनकी बीबियां ना उनके बच्चा ना बुझ कर देख है। वो दोनों बहन भाई नेतागिरी में आगे भर्ती हो जाओ सही दोंगे जब बेरा लगेगा ना उनकी माँ ने भी नो बता ना सिक्योरिटी लेकर घूमे है अपना कोठिया में फिर और उनका अपमान करा, उनका अपमान करा नो बता वो ठीक है बेटे को ना उनकी माँ ना बुझ। मैं तब मिली थी एक खोज की फोजन की माँ न्यू बोली एक दिन रात नींद नहीं आती और वह इसे शब्द बोल दें आखे चीन न खोस लिया, चीन न खोस लिया मोदी को ना चीन पे मोदी को ना उड़ा शरद पर खोद से। क्या नाम हो गया अम्मा आपका? मेरा मेरे नाम का क्या बुझेगा बिना ही नाम। उम्र कितनी हो गई? उम्र 63 साल। 63 साल हो गई और मत इतना ज्ञान। 6 महीना थी ना 6 महीने की बात सुनू थी मैं। मनमोहन बोला था टुक 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 और मोदी बोला है थर थर थर। ठीक ऐसा नेता होना चाहिए देश ने जो चलाना। लेकिन सब कह रहे राहुल गांधी जी जैसा नेता होना चाहिए। कैसा हो कैसा हो ना बोलन का उन्हें दे रहा ना कभी का बालक भी उछार पा जाएगा वो राहुल गांधी जी से। देश का तो वो बाहर जाकर अपमान करे है। अरे वो टुकर हो गया न्यू बताओ ना जाप पे इन रोड़ा मचाया जाप इन घुमा फिरा का कोई बंद ना करता घर में चाहे कि मैं पैरों स्कूल में ड्रेस होगी बाण भाइया ने किए लाया अब बंदी ला दी तब घुमा फिरा कर पब्लिक ने बेवकूफ बनावा है ये जी, जी, और ये भाजपा के बोलते कोई ना इतने कांग्रेस के बड़ सारे बोल रहे। हाँ सर किस तरीके से देखते हैं जो शब्द प्रयोग किया गए हैं राष्ट्रपति जी के लिए? कौन से शब्दों की बात चल रही है सर? राष्ट्रपति जी को उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा गया। किसी के मुंह से शब्द निकल गया अब शब्द उसने माफी मांग ली बात खत्म हो गई। बोला जब ना माफी जब ना लकड़िया का शब्द न्यू बता मैंने उसने क्यों पर बोला है वह महिला सत्ता नीचे सत्तर की है उसका सम्मान होना चाहिए न्यू बता क्यों लकड़िया भाई मैं कह दूँ तो कह दी न्यू बता कोई मतलब होया। अच्छा ये कांग्रेस पार्टी तो कहती है महिलाओं का सम्मान करते हैं कैसे महिलाओं का सम्मान होना सम्मान करते कांग्रेस पार्टी जो है ना वो सिर्फ राहुल गांधी सोनिया गांधी का सम्मान करते हैं और क्या महिला का सम्मान करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। महिलाओं के सम्मान की बात महिला का सम्मान किया है 70 साल से देश 70 साल हो गया देश आजाद हो अभी क्या उन्होंने महिला का सम्मान किया? एक महिला का नाम बता दे जो महिला का सम्मान किया उन्होंने मोदी जोगी ने अंतिम व्यक्ति के मैं बताना चाहता हूँ यूपी में अंतिम अंत्योदय व्यक्ति जो कहा गया अंत्योदय जो अंतिम राशन कार्ड अंतिम चीज जो अंतिम व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो मिल रही है। अभी हमारे यूपी में मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से मैं अम्बेडकर नगर जिले से आया हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ कभी योगी जी ने ऐसा काम किया है कि आपको कहीं नहीं जाना है। यही जो हो रहा है महिलाओं के लिए महामहिम जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है क्या कहना चाहोगे? क्या जो विपक्ष की पार्टियां है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगी? नेता में विपक्ष की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो कहाँ जा रहा है देश? देखिए सबसे पहली बात है विपक्ष के लोग तो विरोध करेंगे अगर विरोध करते आ रहे हैं इसीलिए जसवंत सिंह को खड़ा किया था वहाँ पर उन्होंने। ये विरोधी हैं ये नहीं चाहते कि कोई भी इनका राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो ये कोई बीजेपी का है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो ड्रामा करते हैं जो अधीर रंजन ने बोला है ये एक नाटक रूपांतर है जानबूझ के बोला गया शब्द है माफी तो एक दिखावा है। लेकिन कह रहे गलती से निकल गया हमारे उन्होंने ये भी बोला कि मैं बंगाली हूँ मुझे बोलने में गलती हुई है मेरे से। अरे भाई अगर इतना पढ़ा लिखा इतना पुराना इनका प्रवक्ता है कांग्रेस का नेता है गलती कैसे हो गई तेरे से? और भी तो आपके कांग्रेसी साथी गलत बोलते हैं कई ये गलत का एक बहाना है बचने का कि मैं बंगाली हूँ बंगाल का लोगों का अपमान करना है इसमें कि मैं बंगाली होके मैं ऐसा बोलता हूँ और एक बड़े सम्मानित नागरिक का जो उस कोर्ट पद पे बैठा हुआ है राष्ट्रपति उसको अपमान कर रहा है तो इसको तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी उसी टाइम सदन पे जब आवाज उठी थी। अब ये पर्सनल जाके क्या मांगेगा धमकाएगा थ्रेडिंग करेगा जैसे सोनिया गांधी ने उसको थ्रेडिंग करी है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये एक ड्रामा है सोजित ये है ये कोई माफ़ी मांगने वाले नहीं है और जिस दिन इन्होंने माफ़ी मांग ली
तो इनका कांग्रेस का पूरा जमीर खत्म हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि माफी तो मांग लिए, सोनिया गांधी जी भी ये बात बोल रही है। भाई सोनिया गांधी क्यों नहीं बोलेगी अपने नेता के बारे में? सोनिया को आता क्या है पहले बताओ राजनीति में? राहुल को आता क्या है? प्रियंका आता है? यही लोग ही तो संभालते हैं सारा, जो सीनियर इनके वो नेता है। अब उनका बचाव तो करेगी, हमेशा करेगी करेगी, क्योंकि ये झुकना नहीं चाहते। और इनको एक दिन झुकना पड़ेगा, इनको सच्चाई में सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी ये गलत बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, इस अपमान का बदला ऊपर वाला जरूर लेगा, अपमान का बदला जरूर लेगा। सर किस तरीके से देखते हैं शब्द का प्रयोग किया गया जो महामहिम जी के लिए, क्या लगता है क्या यही होना चाहिए था क्या? देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है किसी को मैं गलत बात बोलूं या अब्यूजिव लैंग्वेज बोलूं, एक होती है कि बात करते करते कोई बात मुंह से निकल जाती है, इसको स्लिप ऑफ टंग कहते हैं इंग्लिश में। चलो दोनों चीज़ें गलत है, स्लिप ऑफ टंग भी गलत है और किसी को गाली देना भी गलत है। उसके बाद अगर माफ़ी मांग ली गई है तो उसके बाद इसको मामले को ठप कर देना चाहिए था, मेरी व्यक्तिगत राय है ये। ठीक है, अब एक छोटी सी बात करना चाहूँगा स्मृति ईरानी जी के, जब विपक्ष तो बीजेपी की तरफ से तो पूरा आरोप लगाया कि इनको माफी मांगनी चाहिए सबके सामने, तो क्यों नहीं माफी मांग लेते? माफी तो मांगी उन्होंने, और कैसे मांगे वो माफी सबके सामने? मतलब नहीं मतलब क्या पांव के पांव पड़े उनके, गलती करे ये माफी मांगे? फिर पंजाब में जब प्रधानमंत्री जी गए थे, जब उन्होंने बोला था कि आतंकवादियों ने मेरे पे अटैक कर दिया और मैं बच के आ गया, तब यही समय नहीं बोला था, यही आ गया था धन्यवाद, उन्होंने कहा था को कह देना सीएम को धन्यवाद, मैं जिंदा बच के आ गया, जिंदा जिंदा, तो बात नहीं कहा था मैं आतंकवादियों से बच के आ गया, ये नहीं कहा था। आतंकवादी ही तो मारते हैं और कोई किसान थोड़ना थे, चलो 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 ठीक है, यही ये तो बोला था उन्होंने। और उसी वक्त शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस स्मृति ईरानी जी ने बोला था कि चन्नी जी को माफी मांगनी चाहिए। मतलब ये क्या ट्रेंड है? अगर किसी का बोलो माफी 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 से क्या होता है? जनता बेवकूफ नहीं है, और भी नहीं मांगनी चाहिए, मांग तो ली उसने। इसके बाद इश्यू क्या रह जाता है? अब मेन मुद्दे की बात, जब से मॉनसून सेशन शुरू हुआ है तब से विपक्ष बोली चल रहा है कि इस पे बेरोजगारी पे और महंगाई पे चर्चा करो। इन्होंने ये बोला सीतारमन जी बीमार हैं, वो आएंगी तो तब शुरू। उन्होंने बोला वो नहीं आती तो उनके बिहाफ पे किसी को बोल दो। एक हफ्ते में कोई वो चर्चा नहीं हुई बेरोजगारी पे और कोई, कल वो आई हैं, जैसे ही वो आई हैं एक मुद्दे को उठा दिया गया और दो दो दिन। आपका कहना है कि मुद्दा उठाया जा रहा है जो कांग्रेस कह रही है ये बात? क्यों क्योंकि क्यों कह रहे हैं मुद्दे को उठाया? 10 साल हो गए विपक्ष सरकार को और इन्हें परसों ही ध्यान आया इन्हें कि बेरोजगारी और बेरोजगारी पे सवाल कुछ पूछे हैं। 10 साल हो गए इन्हें, 10 साल से इन्होंने आतंक मचाया हुआ है। एक मूवी लॉन्च हुई चोर मचाए शोर, ईडी के जब इन पर जांच चल रही है तो इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? आपकी छाप आप सीना ठोक के सामने आइए, बोलिए कि हाँ आपने हम पे झूठा आरोप लगाया है और हम निष्पक्ष होकर निकलेंगे यहाँ से। ये अकबर रोड बंद और बीरबल रोड बंद और कोई गाड़ी जला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, इतना शोर शराबा कर रहे हैं, क्या जरूरत है? और रही बात ये स्लिप ऑफ टंग जो ये मेरे भैया कह रहे हैं साथ में, वो राष्ट्रपति हैं, वो उनके लिए स्लिप ऑफ टंग का ये चक्कर नहीं होता है। सोच समझ के ही जाना चाहिए, सोच समझ के ही बोलना चाहिए। अगर मेरे मुंह पर ये माइक लगा हुआ है तो स्लिप टंग यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं इन भाई के पास अभी बारे में कुछ कह दूँ यहाँ दंगा हो जाएगा 2 मिनट में, समझ रहे हो मेरी बात? तो स्लिप ऑफ टंग ये एक दंगा करा देती है, ये युद्ध करा देती है, तो संभल कर जाना चाहिए।